हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे मिष्टान फूड्स के बारे में, जिसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। हालांकि आज शेयर गिरते हुए दिखा हमें, 8 रुपीज़ 95 पैसे पे था शेयर, एंड इसका 52 भी खाया था 19 रुपीज़ 60 पैसा। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। इसका पी 28 का है, ईपीएस 0.30 का है, जो कि इसके रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.40 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। 8 रुपीज़ के आसपास अगर आपको मिल जाता है तो काफ़ी बेस्ट वैल्यूएशन होगा, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा फायदा दे सकता है। आने वाले 6 मंथ्स टू 1 ईयर में आपका पैसा डबल भी कर सकता है। बात करेंगे इसमें नई जो न्यूज़ आई है, निकल कर नोटिफिकेशन आया कंपनी की ओर से, मिष्टान फूड्स की ओर से, कि उन्होंने रिसेंटली जो मिष्टान रॉक सॉल्ट लॉन्च किया था, जिसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसा कंपनी ने बताया है। बड़े बड़े सुपरमार्केट्स के तरफ से उनको बड़ी बड़ी ऑर्डर्स मिली है, और बासमती राइस के भी नए वेरिएंट्स कंपनी जारी कर रही है लगातार। बट उन्होंने नया नोटिफिकेशन देके बताया है कि 1 जुलाई को वो क्रिस्टल रॉक सॉल्ट लॉन्च करने वाले हैं। क्रिस्टल सॉल्ट मतलब दानेदार सॉल्ट जो होता है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा बोला जाता है। तो क्रिस्टल मिष्टान क्रिस्टल सॉल्ट कंपनी लॉन्च करने वाली है 1 जुलाई के दिन। तो इसके बारे में कंपनी नोटिफिकेशन जारी किया है, और इसको भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, ऐसा कंपनी ने दावा किया है, एक्सपेक्टेशन बताई है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी कंपनी, तो उसका फ़ायदा कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो सितंबर क्वार्टर में 6 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर क्वार्टर में 8 करोड़ का प्रॉफिट था, एंड मार्च 2022 में 13 करोड़ का प्रॉफिट था। लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अभी क्वार्टर 1 मतलब जून क्वार्टर भी अच्छा आने की उम्मीद है। अगर जून क्वार्टर का प्रॉफिट भी 15 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में आता है, तो शेयर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जिसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, वो मिष्टान फूड्स को हर डीप के ऊपर बाय करके होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि एक पेनी स्टॉक में अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।